वेलकम टू शिवानी वेजल रेसिपी। आज हम बनाएंगे बेसन के लड्डू, जो कि खाने में मार्केट के लड्डुओं से भी अधिक टेस्टी लगते हैं। इस रेसिपी के एंड में हमारा टिप सेक्शन अवश्य देखिए, जिससे लड्डू आसानी से बनकर तैयार होंगे। गैस पर पैन रख दिया है, इसमें 3/4 बाउल घी डाल दिया है। गैस की फ्लेम को स्लो करेंगे। अब 2 बाउल बेसन ऐड करेंगे। और 1/4 बाउल सूजी ऐड करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसे स्लो फ्लेम पर ही भूने, जिससे लड्डू अच्छे बनकर तैयार होंगे। इसे लगातार चलाते हुए भूनेंगे, जिससे कि बेसन नीचे से जले नहीं। अब इसे तब तक चलाएंगे जब तक कि बेसन गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। अभी भूनते हुए थोड़ा समय ही हुआ है, बेसन का हल्का सा कलर चेंज हो गया है। अब इसमें थोड़े से बादाम और काजू ऐड करेंगे और इसे लगातार चलाते हुए भूनेंगे। बेसन गोल्डन ब्राउन हो चुका है और इसमें से अच्छी महक आने लगी है। अब गैस को ऑफ करेंगे। अब इसे एक प्लेट में निकालेंगे। इसे थोड़ा ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। बेसन थोड़ा ठंडा हो गया है, इसमें इलायची पाउडर ऐड करेंगे और 1.5 बाउल बूरा ऐड करेंगे। यदि आपके पास बूरा नहीं है तो आप चीनी को मिक्सी में पीसकर भी यूज़ कर सकते हैं और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब थोड़ा मिश्रण हाथों में लेंगे और इस तरीके से लड्डू बनाएंगे। इसी तरीके से हम सभी लड्डुओं को बना लेंगे। देखिए, लड्डू बनकर तैयार हो गए हैं। जब भी आपका मीठा खाने का मन करे तो लड्डू अवश्य बनाएं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और अपने अनुभव शेयर करें। अब बारी है हमारी टिप की, लेकिन उससे पहले आप कीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। चलते हैं हम अपनी टिप की तरफ। बेसन के लड्डू बनाते समय यदि लड्डू ना बन पाए तो उसमें थोड़ा सा गरम घी ऐड करें तो लड्डू आसानी से बन जाएंगे। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।